आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन का 3 दिवसीय गारमेंट फेयर होटल काशी राज में सोमवार से शुरू हो गया। फेयर में देश भर से रेडीमेड मैन्युफैक्चरर भाग ले रहे हैं। दूर हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है उसमें, लेकिन हमको स्वयं बहुत सोचना होगा कि पर्यावरण हमारा जीवन है और पर्यावरण के बिना कोई उद्योग नहीं चलता। हम लोगों को ये पर्यावरण के सारे ख्यालों को रखते हुए अगर हम अपने उद्योग को व्यवस्थित करते हैं तो आगरा को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों के पास इस समय सुंदर इंडियन ओवरसीज कमलानगर आगरा 32 ब्रांड में हम काम कर रहे हैं और हम लोगों की जो वर्कआउट है वो पूरा उत्तराखंड, बुंदेलखंड, वेस्ट यूपी पूरे में जाता है। लगभग 140 सिटी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके 140 सिटी के जो व्यापारी हैं वो A+ व्यापारी सारे यहाँ पे आते हैं और जिनको ब्रांड चाहिए, जिनको एक अच्छी अपने ग्राहक को देने के लिए वैरायटी चाहिए, वो लोग यहाँ पर आते हैं और उनको अपने मन मुताबिक हर एक ब्रांड यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, ये जो रेडीमेड का गारमेंट का कार्यक्रम हो रहा है ये एक अपने आप में बहुत विशाल लेवल का ये फेयर है और मैं इसमें आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं या हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भविष्य, सुनहरा भविष्य बल्कि कहूँगा, मुझे उसमें दिख रहा है। ये जो है पूरा हमने ब्रश की थीम ली हुई है अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से और बच्चों पिछले 2 से 3 महीने से काम कर रहे हैं और बहुत कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें मॉडल्स जो हैं नेशनल इंटरनेशनल मॉडल्स जो है प्रेजेंट आ रहे हैं स्टेज पर और खादी हुआ, मिरर हुआ और मधुबनी प्रिंट हुआ, इस तरह इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा क्रिएटिव डिज़ाइंस मिलेंगे। के अंदर लगभग 200 साल पुराना उद्योग है, समय समय पर बदलता है। पहले टेक्सटाइल का कपड़ा बिकता था, अब रेडीमेड बिक रहा है और रेडीमेड आगरा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। किसी ज़माने में यहाँ कताई मिल हुआ करते थे, जॉन्स मिल हाथरस में, अब ये जो रेडीमेड गारमेंट्स का है पूरे, मैं समझता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरब के लोग भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन द्वारा ये आयोजित 5वां जो फेयर लगाया जा रहा है, यह मात्र एक फेयर मात्र नहीं है बल्कि आगरा को एक नए ट्रेड का एक शुभारंभ हो रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं आगरा को जूते के लिए, पेठा के लिए, दालमोट के लिए, हम जानते हैं आगरा में चांदी के उद्योग के लिए हमने ब्रश का देखा है, लेकिन अब जो जिस तरह से मुझे नज़र आ रहा है वो साफ दिख रहा है कि आगरा में एक नया उद्योग, वस्त्र उद्योग, रेडीमेड गारमेंट्स का तेज़ी से विकसित हो रहा है।